क्या बोलूं, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब तो डॉगीज ने भी बोल दिया, अब तो करना ही पड़ेगा सब्सक्राइब, ठीक है। अब तो वो भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हाय यू गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दोस्त हु आर न्यू टू माय चैनल, हाय वेलकम टू माय चैनल। आई एम करिश्मा, आई एम अ बैंकर बाय प्रोफेशन एंड ऑन दिस यूट्यूब चैनल यू आर गोइंग टू गेट ट्रिक्स, टिप्स, माय गाइडेंस टू मेक योर प्रेपरेशन जर्नी इजी, सिंपल एंड हैप्पी। एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस ऐसे एक टॉपिक के बारे में जिसके बारे में मैंने इंडिविजुअली कभी किसी वीडियो में बात नहीं की है। बाकी और वीडियोस में तो सबकी बात जरूर की है और बहुत सारे टिप्स भी दिए हैं, बट आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे फेवरेट, शायद आपके फेवरेट, और अगर अब तक आपका वो सब्जेक्ट फेवरेट नहीं है तो इस वीडियो की बात डेफिनेटली होने वाला है, और वो है रीजनिंग। रीजनिंग के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जहां पर हम सिर्फ प्रीलिम्स की रीजनिंग नहीं, मेंस की रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे और वो सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। जैसे कि अगर आप पजल करते हैं और पजल में कभी ऐसा होता है कि लाइन स्किप हो गई, आप पढ़ रहे हैं और आपकी पजल ही नहीं बन रही है, जबकि आप सारी चीजें कर रहे हैं, बाद में आपको पता चलता है कि ओ ये लाइन मिस कर दी, ओ ये पॉसिबिलिटी गलत लिख ली, ब्लड रिलेशन नहीं बन रहा है। ब्लड रिलेशन इज अ नाइटमेयर फॉर ऑल पीपल, सो उसके बारे में बात करेंगे। और बाकी मेंस की तैयारी शुरू कैसे करनी है और कहां से पढ़ना है, सोर्सेस क्या होंगे, क्या यूट्यूब चैनल्स फॉलो करने हैं, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप सबके लिए और एक अपडेट है, तो वो देख लीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं। मैं आप सभी को और स्पेशली अपने मुस्लिम भाई बहनों को ईद की बहुत 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 शुभकामनाएं, मुबारकबाद देनी चाहूंगी, और मेरी दुआ रहेगी ये कि आपकी जो भी इच्छाएं हों, स्पेसिफिकली एक आपकी जॉब लग जाए और आपकी हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि इंसान की दो ही इच्छाएं होती है, उसकी हेल्थ अच्छी रहे और वेल्थ, ठीक। आपकी प्रेपरेशन के जर्नी में आपको हेल्प करने के लिए ऑलिव बोर्ड ने ईद स्पेशल 55% का ऑफ रखा है सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए, तो आप को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, आप वहां से जाकर डिस्क्रिप्शन से लिंक पे क्लिक करिए और EID ईद कोड यूज करके वहां से आप 55% ऑफ अवेल कर सकते हैं आपके सारे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कोर्सेज पर। सो गो चेक इट आउट एंड मेक योर ईद इवन मोर स्पेशल। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो रीजनिंग की जैसे हम लोग बात करें, तो सबसे पहले मैं बिगिनर्स से बात करना चाहूंगी कि अगर आपने बिल्कुल अभी अभी शुरू किया है और आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को यहीं पॉज करके सिलेबस देखिए रीजनिंग का, कि सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। और उसके बाद आपको कैसे शुरू करना है, तो आपको सारा सिलेबस अपना, मैं पूरा गो थ्रू करेंगे सिलेबस से, और उसके बाद आप अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो रीजनिंग में प्री की तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगी, और जिनको प्रॉब्लम हो रही है, आपका रीजनिंग को सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है, रीजनिंग को स्ट्रांग बनाने का एक तरीका है, वो है मैक्सिमम प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रीलिम्स की रीजनिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होगी कि क्वेश्चंस या तो दे रहे बन रहे हैं, या तो पजल्स में कोई लाइन स्किप हो जा रही है, या फिर ऐसा हो रहा है कि आप पॉसिबिलिटी कोई गलत लिख रहे हैं, किसी ने राइट बोला है कि वो इंसान उसके राइट में है तो आप लेफ्ट में लिख रहे हैं उसको, तो इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हर इंसान फेस करता है, हर एस्पिरेंट फेस करता है। तो आपको क्या करना है, आपको इन परेशानियों से बचने के लिए कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, ठीक है। और वो कॉन्सेंट्रेशन जब आप बढ़ाएंगे, मान लीजिए कि आप ऐसा होता है कि आपको एक पजल की लाइन है वो स्किप कर देते हैं, तो कोशिश करिए कि आप जब पजल पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपका कंप्यूटर स्क्रीन है ये और आप यहाँ से पजल पढ़ रहे हैं, तो उस पर पॉइंट करके रखिए कि आपने ये वाली लाइन पढ़ी, वहीं पे अपनी फिंगर रोक लीजिए और उसके बाद वहां पे पॉसिबिलिटी नोट कर लीजिए, फिर आपने अगली पढ़ी वहां पॉइंट फिंगर करके रखिए और अपनी दूसरी पॉसिबिलिटी नोट कर लीजिए। और बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि हम पॉसिबिलिटीज बनाएं तो कितनी बनाएं, अब जैसे प्री की पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो मैं ऐसे करती थी, मेरे को जितनी पॉसिबिलिटीज लगती थी मैं सारी बना लेती थी, उसमें मान लीजिए मैक्सिमम 4 पॉसिबिलिटी बनती है, उससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं बनती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि मिनिमम पॉसिबिलिटी से करना चाहिए, बट ये मेरे लिए कभी वर्क नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि प्रीलिम्स की पजल है, अगर मैं 4 लाइन खींच के फटाफट 4 बार लिख लूंगी वो चीज, तो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है बजाय ये कि मैं एक ही में करूं। और क्या होता है, जब आपको टीचर्स कर दिखाते हैं या फिर जब आप घर पे बैठ के कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपने पेंसिल से किया, छोटा छोटा लिख दिया, लेकिन जब आप एक्चुअली एग्जाम में कर रहे होते हैं ना, छोटी सी शीट होती है हमारे पास, ठीक है, और हम उसमें कर रहे हैं, ऐसा होता है कि इतना ज्यादा खचड़ पचड़ हो जाती है ना, इतना हौच पुच हो जाता है उसके अंदर कि हम उसके बाद देख ही नहीं पाते कि हमने क्या काटा है। हम घर पे कर रहे हैं ना, जब विदाउट टाइमर कर रहे हैं या कोई टीचर हमें करवा रहा है, हम विदाउट टाइमर उनकी क्लासेस देख रहे हैं, तो इतना स्ट्रेस नहीं होता, तो हमें सब समझ में आ रहा है, सब हमें एकदम फ्लारी फ्लारी लग रहा है, लेकिन जब हम एक्चुअल में एग्जाम में करने बैठते हैं और टाइमर की टन टन दिमाग पे होती है, तब ये होता है कि हम छोटी छोटी चीजें भी ना गलत कर देते हैं वहां पर, वो हमने क्या लिखा था हमें याद नहीं रहता। तो मेरे लिए क्या वर्क करता था कि मैं 4 पॉसिबिलिटीज बनाऊं, साफ साफ लिखूं और उसके बाद उसमें काट के, वो स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि 2-3 पॉसिबिलिटीज स्टार्टिंग में ही
आपकी कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ एक दो पॉसिबिलिटीज बचेंगी जो आपको फाइनल सोल्यूशन तक लेकर जाएंगी। ठीक है, तो आपको मैंने ये तरीका बता दिया कि अगर आप स्किप करते हैं कोई लाइन तो वो कैसे देखना है, और पॉसिबिलिटीज मेरे लिए क्या हेल्प करती थी ये आप देखेंगे कि आपके लिए क्या वर्क करता है क्या नहीं वर्क करता, और ये सिर्फ आपको पता चलेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि 5 puzzles and 5 sitting arrangements तो आपको रोज करने हैं, लेकिन अगर आपकी पजल्स वीक हैं, क्योंकि पजल में आप वीक होना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि पजल इतना ज्यादा वेटेज रखता है, 20 marks का सीधा सीधा आ जाता है। आप कमजोर हैं तो आपको 20 puzzles भी दिन में करनी है, इतनी पजल्स आप कर लीजिए 1000 2000 3000 तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप फिर उसमें वीक रह जाएंगे। ठीक है, कभी कभी दिन खराब होता है, कोई नहीं बनी तो अलग बात होती है, फिर वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। बट यस, आपको इतनी प्रैक्टिस तो करनी है, 3000-4000 एक बार पजल्स आप प्रैक्टिस कर लेंगे प्रिलिम्स की, तो वो आपका माइंड भी ओपन करेगी, आपकी रीजनिंग स्किल्स को एनहांस करेगी, एंड आपके एग्जाम में पजल्स तो बनने शुरू हो ही जाएंगे। अब दूसरी बात यहाँ ये आती है कि आपको कौन से पजल्स पहले एग्जाम में करने हैं, आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा वाला पजल जो होता है या सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो आपके लिए काम करता है या फिर आपको अच्छा लगता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो एक तो जो पजल्स होती थी जो स्टैक वाली, जो जैसे लीनियर पजल्स होती है ना, वो मेरे से बहुत अच्छे से बन जाती थी, फ्लोर बेस्ड या फिर बॉक्सेस बेस्ड पजल्स है वो मैं बहुत ईजिली बना लेती थी, और विद इन 1 minute वो मुझसे पजल हमेशा हो जाया करती थी। अगर वो उसमें पॉसिबिलिटीज भी हैं, अगर वेरिएबल्स भी हैं तो भी मैं आराम से वो कर लिया करती थी, तो मेरे लिए वो वर्क करता था। दूसरा, मेरे लिए पैरेलल जो सिटिंग अरेंजमेंट होता था वो मेरे लिए वर्क करता था, जिसमें पैरेलल लाइंस में नॉर्थ साउथ करके बैठे होते हैं लोग, और मेरे लिए वो जो एक अंकुश सर कहते हैं नेवर्स के पजल्स, जिसमें कि 3 लोग हैं, मान लीजिए 3 department में काम कर रहे हैं और 6 लोग हैं, उसमें से मैक्सिमम 2 ही लोग आ सकते हैं इसमें, इस तरह से करके एक पजल होती है, जिन लोगों को पता है वो समझ गए होंगे, तो वो मेरे लिए बहुत वर्क करती थी, वो हमेशा मेरी बहुत जल्दी बन जाती थी और हमेशा एक्यूरेट बनती थी। जो मेरे लिए वर्क नहीं करती थी वो थी एज बेस्ड पजल, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बोला कि मेरी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली गुड नहीं है। ठीक है, तो मेरे साथ क्या होता था कि एक तो मुझे वहां पे कैलकुलेट भी करना है, फिर वहां पर पॉसिबिलिटीज भी इतनी सारी आती हैं कि एम एन के बीच में डिफरेंस जो है वो 4 है, तो ऐसे बहुत से लोग मिल जाते हैं, ऐसे लोग जिनकी एज में जो ईयर का डिफरेंस है वो 4 होता है, तो उसमें फिर पॉसिबिलिटीज, तो वो चीज मेरे लिए वर्क नहीं करती थी, तो मैं कभी भी वो वाली पजल उठा के पहले एग्जाम में नहीं करती थी, मैं हमेशा स्किप करती थी कि ये वाली मैं नहीं करूंगी, अगर मेरे 5 questions जाते भी है तो जाए, लेकिन मैं और चीजें अपनी पहले कवर करूंगी। तो ये चीज आपको एनालाइज करनी है और ये आपको तभी पता चलेगी जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और बाकी जो मिसलेनियस हो जाते हैं, मिसलेनियस की अगर बात करें तो मिसलेनियस में ब्लड रिलेशन मेरे लिए कभी नहीं वर्क करता था, पता नहीं क्या ही कौन सी दुश्मनी थी ब्लड रिलेशन की मुझसे, कि हमेशा मेरा ब्लड रिलेशन एग्जाम में अटकता ही अटकता था, तो ब्लड रिलेशन मैं देखते ही स्किप मार देती थी कि ये तो देखना ही नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद फिर बाद में वो अगर लास्ट में करना है तो लास्ट में हो जाएगा, अदरवाइज हमेशा अटक ही जाता था। तो ब्लड रिलेशन ऐसा ट्रिकी पता नहीं क्यों पूछा ही जाता है, तो ब्लड रिलेशन आप भी कोशिश करिए कि लास्ट में ही अटेम्प्ट करें, और जिनका बहुत अच्छा है फिर वो लोग तो कर ही सकते हैं अटेम्प्ट। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं मेंस की, जो मेंस की पजल्स जो है वो प्रिलिम्स से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं यहाँ की, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा एक पैराग्राफ मिलता है। ठीक है, अब उसमें आपको ये भी होता है कि हम पॉसिबिलिटीज लिखेंगे, तो आधा घंटा तो हमारा इन्हीं चीजों में चला जाएगा कि हम पढ़ेंगे, उसके बाद पॉसिबिलिटी लिखेंगे, उसके बाद एक बॉक्स बनाएंगे या फिर जिस भी तरह की पजल है वो बनाएंगे और वो करना शुरू करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह की पजल्स, जो इतनी बड़ी बड़ी पजल्स होती है, मान लीजिए आपकी फ्लोर वाली आ गई, ऐसे होते हैं ना कि इतने सारे फ्लोर्स हैं, इतने स्क्वायर फिट का इनका एरिया है, उसमें इतने लोग रहते हैं, या फिर इसकी लेंथ इतनी है, इतने नंबर ऑफ रूम्स हैं, ये है, इस तरह की जो पजल्स होती है जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं या फिर बहुत लंबा लिखा हुआ है, उसमें एक पूरा पैराग्राफ है, तो वो आपको कभी भी एग्जाम में नहीं करनी होती है। ये ट्रूथ है, जितना भी बोला जाता है ना कि एग्जाम में पजल पजल पजल, आपको मेंस एग्जाम में एक्चुअल में पजल्स नहीं करनी होती हैं। ठीक है, पजल्स आपको क्यों करनी होती हैं, क्योंकि आपकी पजल्स अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं, आपकी जो कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स हैं वो बेटर करती हैं, ताकि आप कोई भी न्यू पैटर्न का क्वेश्चन आएगा आप उसको हैंडल करने के लिए और उसको टारगेट करने के लिए आप रेडी हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको पजल्स करना घर पे जरूरी है, लेकिन ये नहीं है कि आपको एग्जाम में जाके पजल करनी है, क्योंकि एग्जाम में इतने नंबर ऑफ मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं कि आपके पास टाइम ही नहीं होता पजल्स। मेंस एग्जाम में आपको यही करना होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए और एक्यूरेट कर पाए, ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन आपने उठाया पजल का आधा घंटा वहीं लगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि अपने किस तरह से आपने चीजें करनी है मेंस एग्जाम में।
अब बात करते हैं कि मेंस की आप तैयारी कैसे करेंगे रीजनिंग की। तो सबसे पहले मेंस की तैयारी रीजनिंग की आप शुरू करेंगे कि आप हर दिन एक पजल उठाएंगे, और स्टार्टिंग में आप अब से पजल्स नहीं बनेंगी, आपको 2 घंटे भी लग जाएंगे पजल बनाने में, कई बार इतनी ट्रिकी पजल आते हैं, इट इज ओके। शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं, किसी टीचर की आप जिसको भी फॉलो करते हैं, आप उस टीचर की क्लास लगा दीजिए, उसके बाद उस क्लास को देखिए कि वो किस तरह से बनाते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करिए उस चीज को, ठीक है। तो मैंने ना एक चीज, एक अंकुर सर ने एक बहुत सही चीज कही थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो, मैं उनकी क्लास देख रही थी, तो मैं कैसे करती थी उनकी क्लास में स्टॉप करके पीडीएफ से वो क्वेश्चन बना के उसके बाद उनकी क्लास का सोल्यूशन जरूर देखा करती थी कि सर किस तरह से करेंगे उसको 2x पे लगा के। तो उस दिन सर ने एक बात कही जब मैं वो क्वेश्चन कर रही थी कि आपकी रीजनिंग या आपका जो भी चीज है वो तब स्ट्रांग होगा जब आप जिस टीचर को फॉलो करते हैं, मान लीजिए आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो आप मेरी तरह उस क्वेश्चन को करने लग जाएं कि जो मेरा तरीका था, जैसे मैंने दिमाग लगाया उसमें, जो चीजें मैंने उसमें नोटिस की, आपने भी वही सेम तरीका अगर अप्लाई किया है अपने क्वेश्चन बनाने में, तो इसका मतलब कि हाँ आप उस चीज में अब माहिर हो रहे हैं। तो वो जो क्वेश्चन सर ने बनाया था एग्जैक्टली उसी तरीके से और उसी पैटर्न पे वो वाला क्वेश्चन मैंने भी बनाया था, तो ये चीज मुझे बहुत सही लगी और बहुत रेजोनेट किया इस चीज ने मेरे साथ कि यस, आप जब अपने टीचर को रेप्लीकेट करना शुरू कर देते हैं ना, जब अपने टीचर को ही फॉलो करना कंप्लीटली शुरू कर देते हैं उसके सोल्यूशन में, तब आप मान लीजिए कि हाँ आप राइट ट्रैक पर जा रहे हैं। पहले आप कुछ दिन ये करिए, सॉल्यूशंस देखिए, उसके बाद खुद से स्टॉप करके उसके बाद दोबारा उस चीज को रिपीट करिए, वो बनाइए, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप जरूर, आपको देखना फायदा मिलेगा। आपको सिर्फ पजल्स पर नहीं अटकना है, आपको जितने भी न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मशीन इनपुट आउटपुट, रिवर्स सिलोजिज्म, कोडिंग इनइक्वालिटीज एंड अदर हाई लेवल क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस, आपको वो सभी अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आपको वो सभी क्वेश्चंस हाई लेवल के सर्च करने हैं गूगल पर, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में या मॉक में आपको मिल जाएंगे, वो आपको जरूर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एक्चुअल में वही क्वेश्चंस तो हमें एग्जाम में करने होते हैं। हमें जो ट्रेडिशनल टाइप की पजल्स होती हैं या लॉन्ग पैराग्राफ वाली पजल्स होती हैं, वो तो हमें करनी ही नहीं है, तो इसीलिए हम ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम वो वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें जो कि न्यू पैटर्न के हों, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो आपको वो क्वेश्चंस करने हैं। आप कैसे करने हैं? एक दिन आप पजल करिए, जो ट्रेडिशनल पजल है, एकदम टिपिकल पजल है, आप वो कर लीजिए एक दिन। नेक्स्ट डे आपको कोई मिसलेनियस करना है, अगर आपने एक दिन पजल या सिटिंग अरेंजमेंट किया, तो दूसरे दिन आपको 2 या 3 मिसलेनियस क्वेश्चंस करने हैं, जो कि किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, मिसलेनियस हाई लेवल। ये आपको कहां मिलेंगे? यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए, लर्निंग कैप्सूल्स पर, वर्चुअल्स पर, स्टडी नीति पर, और आपको कहां मिलेंगे, ये गूगल पर मिल जाएंगे, मॉक्स में मिल जाएंगे, तो यही सारे हर जगह होती है, जहां से हमने भी किए हैं आपने भी वहीं से करना है। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप डेफिनेटली अगर एक महीना ये कर लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका रीजनिंग जो है वो वीक पोर्शन रह जाए आपका, और वीक होता भी नहीं है, रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग में, ठीक है। तो आई थिंक कि मैंने सारे चीजें अब तक बता दी हैं, फिर भी हो सकता है कि कुछ रह गया हो, अगर आपके कोई डाउट्स रह गए तो आप मुझे कमेंट से पूछिए, आई विल रिप्लाई टू यू कमेंट्स के अंदर। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक आपको प्रोवाइड करी हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैं अपनी आईडी आपको दे दूंगी वहां की, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, वरना बहुत ही लंबी खिंच जाएगी वीडियो, और आपके कोई भी डाउट्स है, एज आई सेड कि यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करूं, और मतलब क्या करूं, क्या बोलूं, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब तो डॉगीज ने भी बोल दिया, अब तो करना ही पड़ेगा सब्सक्राइब, ठीक है, अब तो वो भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब मैं वीडियो एंड कर रही हूँ, क्योंकि अलग मुझे बात नहीं करने दे रहे हैं, इनका भी चालू हो गया है लड़ाई गुस्सा, ठीक है, तो चलिए चलिए, बाय 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 बाय।